विपर्जोय चक्रवात मानसून की बारिश से पिछले सप्ताह से गर्मी एक बार फिर से अपने तीखे तेवर दिखा रही है। तेज गर्मी के साथ साथ उमस से आमजन बेहाल है। वहीं तेज गर्मी और गांव में चल रहे लू के थपेड़ों के बाद लोग इसकी चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से राज्य के चिकित्सालय में खांसी, गले में दर्द, मलेरिया व अन्य मौसमी जनित बीमारियों के मरीजों में भारी इजाफा हुआ है। बुधवार को चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का सीधा असर थारवासियों की सेहत पर नजर आ रहा है। मौसम में बार बार बदलाव की वजह से थारवासियों की सेहत खराब हो रही है और वे अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम परिवर्तन की वजह से मौसमी बीमारियां अपने पांव पसार रही है और लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। इससे राजकीय अस्पताल की OPD में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम परिवर्तन की वजह से खांसी, गले में दर्द, इन्फेक्शन, मलेरिया समेत अन्य मौसमी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल एक पखवाड़े पहले अरब सागर से उठे विपर्जोय चक्रवात की वजह से बाड़मेर में 3 दिन तक लगातार बारिश हुई और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। इस चक्रवात और बारिश की वजह से जहाँ तेज हवाएँ चली वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक नीचे गिर गया। इसके बाद एक हफ्ते तक मौसम साफ रहा और गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन जून के आखिरी 3 दिनों में फिर से प्री मानसून की बारिश से बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया और इसके बाद अचानक से तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया और उमस की वजह से लोग बेहाल होने लगे। पिछले एक पखवाड़े में 4 बार मौसम में आए बदलाव का सीधा असर अब थारवासियों के सेहत पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी पेशेंट है जो वायरल है जो काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें गले में दर्द होना, माइल्ड फीवर की कंप्लेन, पेशेंट काफ़ी आने दिन फीवर ऑन एंड ऑफ आ रहा है। मलेरिया के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट डाउन होना काफ़ी पेशेंटों ने देखा है, जिसके अंदर मलेरिया की स्लाइड जो लेके आता है, खुद ही पेशेंट अपने आप ही कोई आउटर एरिया से या रूरल एरिया से आ रहे हैं। बहुत कम पेशेंट जो देखे गए हैं, जिसके अंदर पिछले 4-5 दिनों में 23,000 है, किसी की 17,000 है, किसी की 34,000 प्लेटलेट है, उनको हम एडमिशन दे रहे हैं पेशेंट्स में, क्योंकि फॉलोअप के अंदर फिर बाद में दिक्कत भी बढ़े। वायरल केसेज के अंदर है, रूटीन टेस्ट में अभी डायरिया के केस, पेट दर्द होना दूध पोषण के साथ में वॉमिटिंग कॉमन हो गया है, जिसके अंदर पेशेंट में डिहाइड्रेट काफ़ी रहता है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे यहीं पे एमरजेंसी में करके उसका फॉलोअप करें। OPD पहले से 2 दिनों के अंदर 2 से 3 गुनी बढ़ गई है, जिसमें आप अभी ये भीड़ देख रहे हो, ये मौसमी बीमारियों के बाद ही बढ़ी है। थार में भीषण गर्मी और उमस के बीच बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारियों की पीड़ित हो रहे हैं। इस तेज गर्मी और गाँव में चल रहे लू के थपेड़ों के बाद लोग इसकी चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से राजकीय चिकित्सालय में खांसी, गले में दर्द, मलेरिया, अन्य मौसमी जनित बीमारियों की मरीजों में भारी इजाफा हुआ है। बुधवार को चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। चिकित्सकों का कहना है कि इस बार बदल रहे मौसम को देखते हुए लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और संतुलित आहार ले, ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके।